बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निकल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो अर्थ हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का कि पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरियाणा हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना है डबल इंजन की सरकार। हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, माफिया ये समाज का, समाज के लिए सबसे, समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले, और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा भाई अपने घरों में रहे ना, कौन चल रहे थे उनको बाहर निकलने की, जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और संघ से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और संघ से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें, कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है, और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या
क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए हैं। और यह भी दिया है बहनों भाइयों, एक कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था।